अभय सिंह जी कहे कि मैं तो पीछे बैठ के राजनीति करिए, राजनीति तो अजय सिंह मेरे नाम कम करिए, तो राजस्थान की राजनीति करिए। चलो मान लिया अजय सिंह राजस्थान की राजनीति करिए, और फिर मैं कह रही मैं तो हमेशा पार्टी के संगठन ने मजबूत करियो, मैं थारी मार्फत और मीडिया बैठिया की मार्फत पूछना चाहूं कि थे पार्टी पर कब्जा तो रात में सोन लग रही पार्टी पर कब्जा तो आंग है। मेरी भाभी एमएलए है बिन मैं एमएलए बनाई, मेरे भतीजो सांसद है बिन मैं सांसद बनाया है, और दिग्विजय इन लोगों राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चलो थे बैक बेंचर्स है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी थाने जिला परिषद का दो दो इलेक्शन लड़न की क्या जरूरत है भाई बैक बेंचर्स ने है? इलेक्शन लड़न की ये जरूरत है कि स्थापन फेंको भी मैं बैक बेंचर्स हूँ फिर भी मैं संगठन इतना मजबूत करियो। अगर ते संगठन इतना मजबूत करियो अजय सिंह थारू कम राजनीति करिए तो थे 2000 में चीफ मिनिस्टर को पद क्यों को नहीं लाया, क्यों को नहीं लाया थे 2009 में क्यों को लाए थे 14 को तो सर्वे सर्वाई थे हाँ वे पापेटो तो जीत रहा 2014 को इलेक्शन तो प्रतिपक्ष नेता के जनता तो मैं एमएलए बनन में हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूँ कि 2014 में इलेक्शन में थे मुख्यमंत्री क्यों को बुलाए जब तो रेस में ना तो दुष्यंत तो ना खुदा और पिताजी रहते तो जेल में थे। जब 2014 में इलेक्शन में थारे इतने मजबूत संगठन में थे हरियाणा में मुख्यमंत्री क्यों को नहीं बनायो कि नहीं, और आज भी आज जगह भी मैं चौटाला साहब जगह ने कह दिया वो हरियाणा में मुख्यमंत्री बन जाओ मैंने तो अब पद की तो भूख है नहीं सारी ज्यादा। मैं थारी मार्फत कहना चाहूँ की बिना पद के अगर थे अजय सिंह ने निकाल उसको तो थे नैना ने क्यों को नहीं निकाली, धर्मपद ने तो मैं भिंगी होनी। आज के दिन अजय सिंह जी तो की पद पर ही को नहीं, अगर महासचिव के पद पर आ और वो भी जेल जाने के बाद में थे खुद ही चीज को गवाओ की मैं 15 दिन आवे और 15 दिन लोगों के बीच में भाजपा भाजपा वापिस चले जाए, कोई पार्टी की गतिविधियों में पिताजी राजे जी शामिल नहीं कोई और नहीं, तो ये सारा जगह लालसन लगाओ। मैं ये को पहले खड़े गिरेवान में झांक के थे देखो और कई ग्रह नहीं लोहो देखो तो लोह है नहीं आपने ने लोहो लोहे ने कभी को नहीं काट है लोहो जदि गटे जद बिंगे मैं जंग लाग जाए तो आप अंदर जंग लाग चुके हो जब ये छोटी छोटी हरकत पर आज कारण हो चुका है। जबकि आपने पढ़ी लिखी बहुआ है और जब पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा खड़े मैं आने कह के जाऊं कि जब 2019 में अपना इलेक्शन होगा और थारो मुख्यमंत्री दुष्यंत तो बिल्कुल युवा हो गए बड़ी बात कहूँ की सारे भी अगुंडा में भी पेंडो छूट जब दुष्यंत ने से आगे लिया थारी सारी जरूरत ने पूरा करने में मैं चाहे मैं मन ये को लगे मैंने कोई राजनीति गंदी सच्ची बनाऊंगी खाने मन गंदी राजनीति आवे भी कोनी और मन ना ही मतलब राजनीति में घुसके मैं कुछ मैं एक घरेलू महिला बन के ज्यादा राजी हूँ पर थारी जरूरत जगह दिन राज होसी 2019 में भगवान करे अपनो राज बने थारी जरूरत मैं जरूर बीच में बैठ के पूरी करूंगी वो बात हो रही है।